Hello dear students, today we discuss a poem. The name of the poem is Written in Mars. Written in Mars, poet William Wordsworth. बच्चों मैं आज आप लोगों के साथ एक कविता हम रिसाइट करेंगे और हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके समझाएंगे. कविता के पहले जो दो लाइन लिखी है इसमें लिखा है कि दिस पोएम इज अबाउट द एक्सपीरियंस फेल्ट व्हेन विंटर इज विथड्रॉइंग. इन डिटेल्स इट डील्स विद द ट्रैंक्विल ब्यूटी ऑफ नेचर. द ट्यून ऑफ द पोएम इज सूथिंग एंड रिलैक्सिंग. यह कवि ने जो बताया है दिखाया है कि ये कविता मार्स, रिटेन इन मार्स का मतलब होता है मार्स महीने में लिखा हुआ है और ये महीना जो है मार्स विंटर के अंतिम माह है, अंतिम महीना है. और इस महीने में जब विंटर खत्म होता है, सर्दी खत्म होता है, तब एक यहाँ लिखा हुआ है दिस पोएम इज अबाउट द एक्सपीरियंस फेल्ट व्हेन द विंटर इज विथड्रॉइंग. जब विंटर खत्म होते हैं उस समय एक बहुत ही बढ़िया सा अनुभव होता है. इट डील्स विथ और ये बताता है और ये दिखाता है, मतलब द ट्रैंक्विल ब्यूटी ऑफ नेचर और ये प्रकृति का एक बेहतरीन नज़ारा दिखाते हैं. The tune of the poem is soothing and relaxing. इस कविता के स्वर जो होता है, ट्यून जो होता है, ये बहुत ही आरामदायक और शांतिदायक होता है, ये कवि ने बताया है इसमें. और कविता में जो कविता लिखा है इसमें कविता जो है, द कोक इज क्रोइंग, द स्ट्रीम इज फ्लोइंग, द स्मॉल बर्ड्स ट्विटर, द लेक डॉथ ग्लिटर, द ग्रीन फील्ड्स स्लीप्स इन द सन, द ओल्डेस्ट एंड यंगेस्ट आर एट वर्क विथ द स्ट्रोंगेस्ट, द कैटल आर ग्रेजिंग, देयर हेड्स नेवर रेजिंग, देयर आर 40 फीडिंग लाइक वन. ये जो पहला स्टेंजा है, इस पहला स्टेंजा में लिखा है इस तरह कि कोक जो होता है, कोक गाती है, मतलब क्रोइंग आवाज करती है, गाती है, और स्ट्रीम जो है, झरना जो है वो बहती है. द स्मॉल बर्ड्स ट्विटर, छोटे छोटे चिड़िया गाती है, वो भी चहचहाते हैं. और द लेक डॉथ ग्लिटर, और ये जो झील के बारे में बोला है वो चमकती है. ग्लिटर का मतलब चमकना, लेक जो है वो झील है. द ग्रीन फील्ड स्लीप्स इन द सन, हरा हुआ जो मैदान है, फील्ड है, हरा मैदान धूप में सोया हुआ लगता है. द ओल्डेस्ट एंड यंगेस्ट आर एट द वर्क विद द स्ट्रोंगेस्ट. बच्चे बूढ़े, ओल्डेस्ट का मतलब होता है बूढ़ा लोग और यंगेस्ट बच्चा लोग, नौजवान लोग, सब आर एट द वर्क एट द स्ट्रोंगेस्ट, पूरी स्ट्रोंगेस्ट ताकत के साथ वो लोग काम में लगे हुए हैं. द कैटल आर ग्रेजिंग, गाय लोग, मतलब गाय सब घास चढ़ती है, मतलब घास खाती है. देयर हेड्स नेवर रेजिंग, इतनी मशहूर से घास खाती है जैसे कि उनका सर ऊपर उठाती नहीं है. देयर आर 40 फीडिंग लाइक वन, सारे गाय एक साथ, मतलब 40 गाय एक साथ जो खाते हैं एक तरह से, मतलब जैसे कि एक खाना खा रही है, मतलब एक ही तरह से घास चर रही है. लाइक एन आर्मी डिफीटेड द स्नो हैथ रिट्रीटेड एंड नाउ डॉथ फेयर इल ऑन द टॉप ऑफ द बेयर हिल, द प्लो बॉय इज होपिंग एन ऑन देयर्स जॉय इन द माउंटेन्स, देयर्स लाइफ इन द फाउंटेन्स. Small clouds are sailing, blue sky prevailing,
द रेन इज ओवर एंड गन। तो ये जो दूसरा स्टेंजा है इसमें लिखा हुआ है कि लाइक एन आर्मी डिफीटेड द स्नो हैथ रिट्रीटेड, बर्फ जो होता है सर्दी के खत्म होने के साथ साथ बर्फ भी आर्मी को डिफीट करने से जैसे आर्मी गिर जाते हैं सो जाते हैं, उसी तरह बर्फ भी पिघल कर सो गया है। और एंड नाउ डथ फेयर इल ऑन द टॉप ऑफ द बेयर हिल, खुला मतलब खाली पहाड़ों के ऊपर बर्फ पिघल कर जैसे कि बीमारी के भांति लेकर बीमारी की तरह पड़ा हुआ है। द प्लो बॉय ऑफ शूटिंग एन ऑन होपिंग एन ऑन प्लो बॉय का मतलब गांव के छोटे जैसे कि खेलता हुआ लड़का खूब बहुत ही बढ़िया से मतलब आनंद से किलकारी मारते हुए बार बार खुशी से किलकारी मार रहा है। देयर्स जॉय इन द माउंटेन, पर्वतों में उनका बहुत ही खुशी दिखाई दे रहा है, आनंदमय दिखाई दे रहा है। देयर्स लाइफ इन द फाउंटेन, और झरने के पास उनका जीवन दिखता है। स्मॉल क्लाउड्स आर सेलिंग, छोटे छोटे बादल जो है वो आसमान में चल रहे हैं। ब्लू स्काई प्रिवेलिंग, और ये नीला आसमान जो है दिखता है। एंड द रेन इज ओवर एंड गन, और बारिश जो है वो ख़त्म हुआ है और चला गया है। यही कविता मैंने आप लोगों को हिंदी में ट्रांसलेट करके बताया है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। और मेरा ये कविता अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ बच्चों के साथ सभी शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।